डर स्टूडेंट्स वेलकम टू सी डी इंजीनियरिंग अकेडमी प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस दू रू इंजीनियरिंगज तो आज हम पास पेपर से एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि हमारे साथ स्ट्रिंग ट्वेंटी थ्री का पेपर है और ये जो क्वेश्चन है हमारे साथ ट्रस से रिलेटेड है क्वेश्चन में हमारे साथ कहते हैं कि सोल्व द मेम्बर फोर्स इन ईच

हमारे साथ इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सारे जो मेंबर इसमें है ट्रस्ट में इसमें हमारे साथ जो फोर्सेज आ रही है कि वो टेंशन में है या कंप्रेशन में है ये वो फाइंड करे और उसको शो भी करे कि वो टेंशन में है कि कंप्रेशन में है तो ये हमारे पास क्वेश्चन है आ, सबसे पहले हम जो इस ट्रस जिस हमारे पास दिया गया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड करते हैं मतलब कि सपोर्ट्स जो पर रिएक्शन है इधर जो ए पर था हमारे पास पिन सपोर्ट था तो इसलिए यहाँ पर दो रिएक्शन आए है एक ए एक्स आया है और दूसरा ए वाई आया है और ई e पर जो था हमारे पास रोरल सपोर्ट था तो उस पर हमारे पास ई वाई का रिएक्शन आया है और डी पर जो था हमारे पास एट न्यूटन का फोर्स था और ये जो एंगल है हमारे पास ए के साथ और डी के साथ है हमारे पास सिक्सटी डिग्री का के एंगल है सारे तो अगर हम देख ले तो ये सारे जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास जो है एक ट्राइंगल्स है तो इसमें हमारे पास सारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल्स हैं मतलब कि ये एंगल भी 60 है ये भी 60 और ये भी 60 तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम सपोर्ट रिएक्शंस पैन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने से पहले हम क्या करते हैं सपोर्ट रिएक्शंस पैन करते हैं तो हमारे पास जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पर हमारे पास दो नॉन है तो इस पॉइंट पर हम मूवमेंट ले लेते हैं समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्ल्स टू जीरो तो हमारे पास ई वाई जो है वो ए पर जो है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और इधर हमने जो है पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज लिए हुआ है तो ये हमारे पास ई वाई पॉजिटिव होगा इंटू इसका जो डिस्टेंस है ये हमारे पास फोर है और ये डिस्टेंस भी हमारे पास फोर है और ये भी हमारे पास फोर है तो और ये जो हमारे पास एट न्यूटन का फोर्स है ये इस ए पर जो इस पॉइंट पर क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस कर रहा है तो इसलिए ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा तो एट इंटू फोर प्लस फोर एट तो एट इंटू एट हमारे पास आ जाएगा और ई वाई हमारे पास सिक्सटीन न्यूटन के बराबर आ जाएगा अब हम यू वाई को निकालने के लिए समेशन ऑफ ऑफ एफ एफ वाई करते हैं जीरो के बराबर तो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो ए वाई प्लस ई वाई ये वर्टिकल फोर्स हमारे पास ये एक ए वाई है और एक ई वाई है और ये जो हमारे पास ये एक पी है ये भी वर्टिकल फोर्स है हमारे पास ये पी डाउन वर्ट एक्ट कर रहा है तो ये हमारे पास होगा ए वाई प्लस ई वाई माइनस एट इजिक्वल टू ज़ीरो तो ये एट उधर गया प्लस हो गया ए वाई ए वाई हमने इधर से निकाल लिया 16 है हमारे पास तो ए वाई प्लस सिक्सटी इजिक्वस टू एट तो ए वाई हमारे पास माइनस एट आ गया मतलब कि इधर जो हमने इसकी डायरेक्शन एज्यूम की थी हमने अपवर्ड की थी लेकिन ये हमारे पास डाउनवर्ड में आ गया अब एक्स निकालने के लिए समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करते हैं तो हमारे पास जो है हॉरिजेंटल कोई भी लोड नहीं लग रहा तो ये हमारे पास एक्स इज एक टू जीरो के बराबर आ जाएगा अब हम क्या करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट से इन सब मेंबर्स में फोर्सेस निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन भी मालूम करते हैं सबसे पहले हमने जॉइंट ए ले लिया जिसमें हमारे पास ये एट किलोटन का जो लोड था हमने अभी वो रिएक्शन निकाल लिया ये डाउनवर्ड हो गया हमारे साथ हमने अपवर्ड एज्यूम के तक हमारे साथ वैल्यू माइनस में आ गई तो इसलिए ये डाउनवर्ड हो गया और इधर हमारे पास ए पर जो है इस मेंबर में भी फोर्स होगा और इस मेंबर में भी फोर्स होगा हमारे पास एक मेंबर एफ ऑफ ए भी है और एक मेंबर एफ ऑफ ए ई है इसकी डायरेक्शन हम जब पहले इसकी एनालिसिस करते हैं तो डायरेक्शन इसकी टेंशन में लेते हैं मतलब अवे फ्रॉम दी जॉइंट लेते हैं तो और बाद में जब इसकी वैल्यू आती है तो उसके हिसाब से हम इसको रख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस यूज होंगे एक ऑफ एक्स और एक समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जी को सो जीरो और समेसन ऑफ एफ ऑफ x is को टू जीरो तो इधर हमारे पास ये जो फोर्स है ये इंक्लाइंड है तो इसलिए इसको हमने रिज़ोल्व किया हुआ है वर्टिकल और हॉर्जेंटल फोर्सेस में तो ये हमारे पास ये जो एंगल है ये 60 है तो ये हमारे पास एफ ऑफ ए बी कॉज ऑफ सिक्सटी आ जाएगा और ये हमारे पास एफ ऑफ ए बी साइन ऑफ सिक्सटी आ जाएगा अब हम ये हमारे साथ हॉर्जेंटल है और ये वर्टिकल है अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जी को जीरो करते हैं और अपर हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ ए बी साइन सिक्सटी ये पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिव माइनस एट ये एट जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसलिए माइनस एट इज इक्वल टू जीरो इससे हम एफ ऑफ ए भी निकाल लें तो एफ ऑफ ए भी हमारे पास एट बाई साइन सिक्सटी तो एफ ऑफ ए बीज नाइन पॉइंट टू फोर किलोटर मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव में ही है तो इसलिए हमने जो ये डायरेक्शन एज्यूम किया था ये ठीक है अब एफ ऑफ ए ही निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करते हैं तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू जीरो इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव ले लिया तो इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन कौन सी एक्ट कर रही है एक ये फोर्स एक्ट कर रही है एफ ऑफ ए बी कॉज ऑफ सिक्सटी जो जो कि एफ ऑफ ए बी की वजह से है और दूसरी जो है एफ ऑफ ए ई है तो हमारे पास एफ ऑफ ए बी काज ऑफ सिक्सटी क्योंकि ये भी हमारे साथ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो हमारे पास पॉजिटिव और एफ ऑफ ए बी भी हमारे पास इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव तो एफ ऑफ ए ई हम इधर से निकाल ले तो ये हमारे पास माइनस फोर पॉइंट सिक्स टू आ जाती है तो इसका मतलब है कि इधर हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो सही नहीं थी ये हमारे साथ कंप्रेशन में आ रहा है मतलब हम टेंशन एज्यूम किया था लेकिन ये हमारे साथ इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हमारे पास इसका जो डायग्राम है वो किस तरह हो गया वो इस डायरेक्शन में और ये दूसरा जो है इस डायरेक्शन में और ये तीसरा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है अब हम आते हैं जॉइंट बी की तरफ क्योंकि हमारे पास ये जो फोर्स है हमारे पास मालूम हो गया तो हमारे पास इधर दो अनोन है तो हम ऑफ ऑफ एफ एक्स और हमेशन लगा के हम इसको निकाल सकते हैं अब जॉइंट बी पर आते हैं तो हमारे पास जॉइंट बी पर जो है एक दूसरा अब हमारे साथ ये ए सी जो हमने टेंशन में लिया था तो बी सी भी हमने इसको टेंशन में ही एज्यूम करना है मतलब कि ए से इस डायरेक्शन में आया था तो बी से भी हमने इस इस डायरेक्शन में मतलब कि टेंशन में एज्यूम करना है और ये जो दूसरा वाला फ़ोर्स है ये भी हम टेंशन में एज्यूम करना है और ये तीसरा वाला जो फोर्स है ये भी हमने टेंशन में एज्यूम करना है अगर ये हमारे साथ ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता तो बी पर हम इसको इस डायरेक्शन में एज्यूम करते मतलब कि इसको अपोजिटली एज्यूम करना होता है तो अब हम इस पर समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई और समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लगाते हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इजिक्वल टू जीरो अप वाट हमारे पास पॉजिटिव और अब यहाँ पर भी दो फोर्सेस जो है हमारे पास इंक्लाइं है ये एफ ऑफ ए बी भी इंक्लाइं है हमारे पास एफ ऑफ बी ई भी इंक्लाइंड है तो अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं हमें पता है कि ये एंगल जो है हमारे साथ ये एंगल सिक्सटी के बराबर है तो ये एंगल भी हमारे पास सिक्सटी के बराबर हो जाएगी और ये एंगल भी हमारे साथ सिक्सटी के बराबर हो जाएगी तो ये पूरा वन ई के बराबर हो जाएगा तो ये एंगल हमारे पास सिक्सटी डिग्री है तो हमारे पास ये जो फोर्स होगा ये कुछ इस तरह रिजोल्व होगा ये इस तरह रिजोल्व होगा वर्टिकल में इस तरह हॉन्डिजेंटल होरिजन, में इस तरह ये हमारे पास एफ ऑफ ए भी अब हमारे पास आया था जो कि हमारे पास नाइन पॉइंट टू किलोमीटर न्यूटम था तो हमने नाइन पॉइंट टू इन टू ये हमारे साथ एंगल के साथ वाला जो है हमारे साथ ये है तो इसलिए कॉज ऑफ सिक्सटी है और ये जो है एंगल के अपोजिट वाला है तो इसलिए नाइन पॉइंट टू फोर साइन ऑफ सिक्सटी और ये दूसरा वाला जो है इसको हमने आ, जो है रिजॉल्व किया हुआ है एक हॉर्जेंटल एक वर्टिकल मतलब फोर्सेस में हमारे साथ एफ ऑफ बी ई जो है अनऑन है तो एफ ऑफ बी ई ये हमारे साथ एंगल सिक्सटी है तो ये एंगल के साथ वाला वालाज ऑफ सिक्सटी और ये जो है ये एंगल के अपोजिट है तो ये हमारे पास एफ ऑफ बी ई साइन ऑफ सिक्सटी ये जो एंगल है ये हमारे साथ सिक्सटी के बराबर नहीं है क्योंकि ये हमारे साथ इस तरह आता है तो ये एंगल हमारे पास सिक्सटी के बराबर नहीं आता Osionfish. इसलिए हमने ये वाला कोज लिया है क्योंकि एंगल वाला एंगल के साथ वाला ये है तो एफ ऑफ बी ई कॉज ऑफ सिक्सटी एफ ऑफ बी ई साइन ऑफ सिक्सटी अब हम जो है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करते हैं एफ ऑफ वाई में हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेज आ रही है एक ये एफ ऑफ ए बी की वजह से आ रही है जो कि ये है हमारे पास और ये एक एफ ऑफ बी ई की वजह से आ रही है जो कि हमारे पास ये है और ये मतलब ये दो ही आ रही है हमारे साथ तो हमारे पास जो है नाइन पॉइंट टू फोर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो माइनस हमने लिख लिया माइनस में हम लिखेंगे माइनस टू पॉइंट फोर साइन ऑफ सिक्सटी और ये दूसरी बार भी जो है हमारे पास ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो माइनस एफ ओ बी ई साइन ऑफ सिक्सटी इक्वल टू जीरो ऐसे हम एफ ओ बी ई निकालेंगे तो एफ ओ बी ई भी हमारे पास माइनस नाइन पॉइंट टू फोर के बराबर आ जाती है मतलब कि एफ ओ बी ई हमने इस डायरेक्शन में एज्यूम की थी लेकिन हमारे पास इसकी डायरेक्शन कैसी आ गई इस डायरेक्शन में आ गई है हमारे पास इसकी डायरेक्शन एज्यूम हमने ये की थी लेकिन वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई तो हमारे पास इस डायरेक्शन में आ गई अब हम जाते हैं का क्या करते हैं हम 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 करते हैं समेशन ऑफ़ एफ ऑफ एक्स इज एक टू जीरोस टू ज़ीरो हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है इधर हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस है एक जो है एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही है और एक हमारे साथ ये फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही है और ये हमारे साथ ये एफ ऑफ बी सी वाई जो फोर्स है ये भी हमारे साथ हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही है तो समिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एफ ऑफ बी सी जो कि इस डायरेक्शन में है इसलिए हमने पॉजिटिव ली है और ये नाइन पॉइंट टू फोर कॉज ऑफ सिक्सटी इस डायरेक्शन में है तो इसलिए हमने ये नेगेटिव ली हुई है माइनस नाइन पॉइंट टू फोर कॉज ऑफ सिक्सटी प्लस और ये भी हमारे साथ जो है ये दूसरी वाली ये भी इस डायरेक्शन में हमारे साथ लग रही है तो ये हमारे पास एफ ऑफ बी कोज ऑफ सिक्सटी भी पॉजिटिव आएगी हमारे पास तो हमारे पास ये प्लस एफ ओ बज ऑफ सिक्सटी जीरो टू जीरो ऐसे हमारे पास जो है एफ ऑफ बी ई हमने उधर निकाल लिया हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है नाइन माइनस नाइन पॉइंट टू फोर तो यहाँ हम पुट करेंगे माइनस नाइन पॉइंट टू फोर अब जो है अब एफ ओ बी सी इसमें एक अनऑन रह गया है तो एफ ओ बी सी को हम इससे निकाल सकते हैं तो एफ ऑफ बी सी को हमने निकाल लिया प्लस नाइन पॉइंट टू फोर मतलब कि एफ ऑफ बी सी की जो डायरेक्शन है वो जो हमने एज्यूम की थी वो डायरेक्शन ठीक है मतलब कि एफ ऑफ बी सी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा अब हमारे पास अगला जो जॉइंट है वो क्या है वो हमारे पास ई e है इधर हमारे पास एफ ऑफ बी ई भी आ गया फोर्स और एफ ऑफ ए भी आ गया हमारे पास इधर अनुमान कितने हैं हमारे पास दो है तो हम इसको निकाल सकते हैं तो जॉइंट ई e में जो है ये भी हम ये जो था हमने हमारे पास जो था एफ ऑफ बी ई हमारे पास जो था वो इधर हमारे पास इस डायरेक्शन में इसकी रिज़ल्ट जो है इस डायरेक्शन में आ गई थी मतलब कि हमने एज्यूम ही क्या था लेकिन वैली माइनस में आ गई थी इसलिए तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आई थी अब हम जब ई पर लेंगे तो इसका अपोजिट लेंगे ई पर जो है इसके अपोजिट हम एज्यूम करेंगे तो ई पर जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में ये आएगी हमारे पास तो, तो नाइन पॉइंट टू फोर किलोमीटर इस डायरेक्शन में आ गई और ये एफ ऑफ सी ई जो है हमने टेंशन में ले ली एजूम की एफ ऑफ सी हमारे पास अनोन है और एफ ऑफ ई डी भी हमारे पास अनोन है और एफ ऑफ ए जो है हमारे पास एफ ऑफ ए भी हमारे पास माइनस में आई थी हमने इस डायरेक्शन में एज्यूम की थी लेकिन हमारे पास इस डायरेक्शन में आ गई तो इस इस डायरेक्शन में आ गई अब हम जब ई पर लेंगे तो हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो इसलिए हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में ली है तो ये हमारे पास फोर्सेज आ गई अब ये भी इंक्लाइन है हमारे पास ये भी इंक्लाइन है अब इसको भी हम दोनों को करते हैं पहले ये नाइन पॉइंट टू फोर के जो है इसको रिजोल्व करते हैं वाई मतलब वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टल और और कंपोनेंट में तो हमारे पास जो है ये एंगल जो है सिक्सटी है हमारे पास तो ये नाइन पॉइंट टू फोर एक एंगल के साथ वाला है तो कॉज ऑफ सिक्सटी और ये एंगल के अपोजिट वाला है तो नाइन पॉइंट टू फोर साइन ऑफ सिक्सटी हमारे पास आगे और ये जो दूसरा फोर्स है ये भी हमारे साथ इंक्लाइन है तो इसको भी हम रिजोल्व करते हैं ये हमारे पास एंगल है सिक्सटी डिग्री ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री तो हमारे पास एफ ऑफ सी ई कॉज ऑफ सिक्सटी एंगल के साथ वाला जो है हमारे पास कॉज ऑफ सिक्सटी गया और एंगल क्या एंगलिट वाला साइन ऑफ सिक्सटी एफ ऑफ सी ई साइन ऑफ सिक्सटी अब हम इस पर ऑफ एफ ऑफ वाई लगा रहे हैं तो एफ ऑफ वाई में जो है हमारे पास एक ये फोर्स आएगा क्योंकि ये एक्ट कर रहा है एक ये फोर्स आएगा क्योंकि ये भी एक्ट कर रहा है एक तो इसका जो रिएक्शन है, है ये आएगा क्योंकि ये भी एक्ट कर रहा है तो ये जो है अपवर्ड हमने पॉजिटिव रिज्यून किया है तो सिक्सटी हमारे पास अपवर्ड लग रहा है सिक्सटीन माइनस मैं ये जो नाइन पॉइंट टू फोर है ये हमारे पास डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस नाइन पॉइंट टू फोर साइन ऑफ सिक्सटी प्लस ये भी हमारे पास अपवर्ड लग रहा है तो प्लस सी ई साइन ऑफ सिक्सटी जीकोल टू जीरो इससे अब हमारे पास एफ ऑफ सी ई की वैल्यू जो है माइनस नाइन पॉइंट टू फोर किल न्यूटन हमारे पास आ जाती है एफ ऑफ सी ई हमने इस डायरेक्शन में एज्यूम की थी लेकिन अब रिजल्ट से हमारे पास ये इस डायरेक्शन में आ गई तो इसका फाइनल डायग्राम कैसे आएगा इसका ये ए आएगा ये दूसरा आएगा ये तीसरा ये हमारे पास अच्छा होता समेशन ऑफ एफ एक्स हम कर ले ये इसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है और इसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है और एक हमारे पास एफ ऑफ ई डी है तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास एफ ऑफ ई डी जो है ये इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव प्लस हमारे पास 9.24 जो है हमारे पास ये ये हमारे पास जो है इस डायरेक्शन में है ये भी इस डायरेक्शन में है, तो ये भी पॉजिटिव लेकिन हमारे पास इसकी जो वैल्यू थी यहाँ पर माइनस आई थी तो इसलिए हाँ पर हमने माइनस लिखी है इसकी वैल्यू से माइनस आई थी ये हम हमारे पास इस डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहा है मतलब हमने एज्यूम किया हुआ है अब हमने जॉइंट ई e पर जो है हमने एजमशन इसकी इस डायरेक्शन में की हुई है मतलब कि इस डायरेक्शन में हमने ये एज्यूम किया हुआ है तो हम अब इसको ई e पर तब्दील नहीं कर सकते हम दूसरे में हम इसको तब्दील करेंगे लेकिन यहाँ पर ई पर जो है, पास में है। तो कैलकुलेशन में हम इसकी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ इी जो है हमारे पास नाइन पॉइंट टू फोर की है एफ ऑफ सी ई जो है हमारे पास इस कॉज ऑफ सिक्सटी ये भी इस डायरेक्शन में है हमारे पास तो ये हमारे पास प्लस क्योंकि इस डायरेक्शन में है इंटू माइनस इसकी वैल्यू अपनी माइनस में ही है तो माइनस कॉज ऑफ सिक्सटी प्लस नाइन पॉइंट टू फोर वाली भी हमारे पास जो है नाइन पॉइंट टू फोर है ये वाली जो है हमारे पास एफ ऑफ ए है हमारे पास नाइन पॉइंट टू फोर कॉज ऑफ सिक्सटी तो प्लस नाइन पॉइंट टू फोर कॉज ऑफ सिक्स अब ये हमारे पास माइनस नाइन पॉइंट टू फोर ये प्लस नाइन पॉइंट टू फोर कॉज ऑफ सिक्स है तो ये हमारे पास कट जाएंगे इधर हमारे पास एक एफ ऑफ ए भी लग रहा है इस डायरेक्शन में तो ये हमारे पास प्लस फोर पॉइंट सिक्स टू अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई एफ ऑफ ई डी जो है हमारे पास माइनस फोर पॉइंट सिक्स टू आ जाएगा एफ ऑफ ई डी हमने इस डायरेक्शन में ज्यूम किया था लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो ये आ गई इसकी डायरेक्शन ये आ गई हमारे पास अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है मतलब कि जो हमारे पास पूरा ट्रस है ये हमारे पास सेमेट्रिक है तो हमारे पास यहाँ पर जो टेंशन होगी वो यहाँ पर भी होगी यहाँ पर जो टेंशन होगी वो यहाँ पर भी होगी यहाँ पर जो टेंशन होगी वो यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर हम हमने टेंशन ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है तो हमारे पास एफ ऑफ ए भी जो है एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ सी डी के बराबर होगा एफ ऑफ सी डी ये एफ ऑफ ई भी हमने निकाल ली है हमारे पास टी नाइन पॉइंट टू फोर हमारे पास आई थी तो एफ ऑफ सी डी भी हमारे पास नाइन पॉइंट टू फोर के रिटर्न आ जाएगी हमारे पास एफ ऑफ ए हमारे पास एफ ऑफ ई डी के बराबर आ जाएगी एफ ऑफ ए हमारे पास एफ ऑफ ई डी के बराबर आ जाएगी एफ ऑफ बी सी जो है बी ई जो है हमारे पास वो एफ ऑफ सी ई के बराबर आ जाएगी मतलब कि एफ ऑफ बी जो है एफ ऑफ सी ई के बराबर आ जाएगी हमारे पास तो फाइनल ट्रस्ट डायग्राम ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं हम पहले सारा ट्रस्ट का डायग्राम ड्रा करते हैं जो कि हमारे पास दिया गया है और उस उसके बाद इस जो वैल्यू हमारे पास आई है वो लिखते हैं क्योंकि एफ ऑफ ए के लिए हमारे पास फोर पॉइंट सिक्स टू आई थी ये हमारे पास आ गई और ई डी के लिए हमारे पास फोर पॉइंट सिक्स टू आई थी ये हमारे पास आ गई एफ ऑफ ए बी के लिए हमारे पास नाइन पॉइंट टू फोर आई थी हमने लिख ली ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आई थी तो हमने ये सारी वैल्यूज लिख ली ये जो हमारे पास इंटरनल जब टेंशन आती है तो हम इसको ऐसे शो करते हैं और एक्सटर्नल जो है हमारे पास जब टेंशन आती है ये एक हमारे पास मेंबर है एक्सटर्नल टेंशन हम ऐसे शो करते हैं और इंटरनल टेंशन जो है हम ऐसे शो करते हैं मतलब कि इस साइन से शो करते हैं एक्सटर्नल हम इस साइन से शो करते हैं और इंटरनल इस साइन से हम शो करते हैं तो और कंप्रेशन जो है हमारे पास ये जो मेंबर है, ये कंप्रेशन हम एक्सटर्नल जो होता है ये वो ऐसे शो करते हैं लेकिन इंटरनल जो होता है वो हम ऐसे शो करते हैं ट्रस में है, जो है हम टेंशन ऐसे शो करते हैं ये ए से जा रहा है और ये बी से जा रहा है मतलब कि ये हमारे पास टेंशन का साइन है और दूसरा जो है ये हमारे पास कंप्रेशन का साइन है अब अब ए भी हमारे पास कंप्रेशन में आई थी तो ये हमारे पास कंप्रेशन का साइन है और इस तरह सारे जो है जो टेंशन में आए थे वो उसको ऐसे साइन से शो करे और जो कंप्रेशन में आए थे उसको ऐसे साइन से शो करे टसेस में हमारे पास जो है टेंशन ऐसे शो होती है ऐसे एस, साइंस से और कंप्रेशन जो है हमारे पास ऐसे साइंस से शो होती है तो ये था हमारा क्वेश्चन प्लस डायग्राम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़